अस्सलामु अलैकुम सामईन व नाज़रीन। इस खातून ने पैदल हज के नाम पे जो तमाशा शुरू किया है, इसका वो तमाशा काफ़ी हद तक कामयाब और हिट होता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इस खातून ने अपने इर्द गिर्द अच्छी खासी भीड़ को जमा कर लिया है। इस खातून की अगर शुरू की आप वीडियो देखेंगे तो दो चार औरतें इसके साथ थी, एक दो आदमी थे, लेकिन अब अच्छे खासे आदमी, अच्छी खासी औरतें सब इसके साथ हैं। मतलब हज के नाम पे जो इसने तमाशा शुरू किया है ना, उस तमाशे में शामिल होने के लिए अच्छी खासी भीड़ भी आने लग गई है। दो चार छोटे छोटे वीडियो देख लीजिए, उसके बाद कुछ लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे हैं कि औरत हज पे जा रही है, इसको आप तमाशा क्यों बोल रहे हो? क्या तमाशा हो रहा है ये मैं आपको वीडियो के बाद बताऊंगा। पहले इस खातून के वीडियो देखिए और धीरे धीरे बढ़ती हुई भीड़ को देखिए, उसके बाद आगे लोगों को जवाब देंगे। पहले वीडियो देखते हैं। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली है, वीडियो के अंदर बढ़ती हुई भीड़ को भी आप लोगों ने देख लिया। कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर कल कोई औरत ये ऐलान करे कि अब मैं घुटनों के बल हज पे जा रही हूँ, उस खातून के लिए भी इस तरह की भीड़ जमा हो जाएगी। कल कोई आदमी अगर ये ऐलान कर दे कि अब मैं हाथों के बल, पैर ऊंचे करके हाथों के बल चल के हज पे जाऊंगा, उस आदमी के लिए भी इसी तरह की भीड़ जमा हो जाएगी, क्योंकि ये भीड़ दीनी तालीम से और इस्लाम से बहुत दूर है। इस भीड़ को लगता है हज पे जा रहे, मतलब अब ये जो भी कर रहे हैं वो सब सही है। अब आइए उन लोगों को जवाब देते हैं जिन्होंने मुझे पहले वीडियो के नीचे कमेंट करके कहा था कि हज पे जा रही है, इसको आपने तमाशा क्यों बोला, इसमें तमाशा क्या है? तो हज पे जाना कोई तमाशा नहीं है। हर साल 35 से 40 लाख लोग हज पे जाते हैं, कोई तमाशा नहीं है। पैदल सड़कों पे चलते हुए और अपने साथ मुस्लिम ख्वातीन को सड़कों पे चलाना, ये तमाशा है। अपने चलते हुए की वीडियो बनवाना और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करना, ये तमाशा है। हज पे जाते हुए रास्ते में गैर महरम लोगों के साथ फोटो खिंचवाना, ये तमाशा है जो हज के नाम पे हो रहा है। और वक्त रहते इस तमाशे को अगर नहीं रोका गया तो यकीन मानिए आगे चलकर कि ये तमाशा इतना बड़ा होगा कि अल्लाह खैर करे। इसलिए ये जो खातून जा रही हैं, अगर इनके पास मेरा वीडियो पहुंचे तो गुजारिश करूंगा खुदा के वास्ते मुसलमानों का इस तरह तमाशा न बनाएं। आपको हज पे जाना है, बेशक आप फ्लाइट में जाएं, हम आपके लिए दुआ करते हैं आप 100 मरतबा हज करें, पर अच्छे से हज जैसे किया जाता है वैसे करें। इस तरह रोड़ों पे चल करके तमाशा न करें, ये बस गुजारिश में कर सकता हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाइए, बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इसलाह करें। अस्सलाम।